महान गायक उदित नारायण आज बिहार के मधुबनी जिला पहुंचे, जहां उन्होंने बचपन की यादें ताजा की। देखिए, एक जमाना था जब मैं स्टूडेंट था, तो 1970, 71, 72 में कई बार मधुबनी आया, और आज मुझे लगता है कितने साल हो गए उस बात को, 46, मतलब बहुत सालों के बाद मुझे आने का मौका मिला। अपन मिथिला छे, जेठ माँ जनक राजा छथिन, जेठ माँ सीता जी के जन्मस्थल छे, जेठ माँ विद्यापति जी छथिन, जेठ माँ एक से एक लोग छथिन, तो कोई जगह में माता सीता जी के जन्मस्थान, जनक राजा की भूमि, कभी विद्यापति जी के जगह मिथिला, और हमू मैथिली छी, हमरो ये बात के गर्व है। 30-40 साल के बाद अलो, लेकिन मिथिला के पेंटिंग विश्व में नामी छे, तो ये सब देख के फिर तरोताजा भ गेलो, और आए जेठ में हम जन्मलो जन्मस्थान बायसी गांव सुपौल डिस्ट्रिक्ट जा रहल छी, ओठमा 25-30 साल के बाद जा रहल छी। ओठमा बिहार सरकार को मैंने विनती किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को एक फंक्शन में मैं मिला, और उनसे कहा कि जिस जगह में पैदा हुआ हूँ उस जगह में देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, मैं तो वहाँ डिबिया लालटेन जला के पढ़ता था, आज भी वहाँ अंधेरा है। उन्होंने एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ऑर्डर दिया और बिजली लग गई। उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, और गांव वाले समाज सब उनके प्रति कृतज्ञ है। आज पंचमुखी हनुमान जी जयपुर में मैंने 6 महीने पहले ऑर्डर किया था, और उस गांव में पंचमुखी हनुमान का स्थापना करने जा रहे हैं। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए, संगीत से तो सेवा कर ही रहे हैं, सामाजिक सेवा भी करूं, और आने वाला समय में बहुत कुछ करना चाहता हूं। भगवान की कृपा रहे और आप लोगों का आशीर्वाद। जो मधुबनी, आप खास करके नेपाल में भी काफी प्रसिद्ध थे एक जमाने में, जी जी, नहीं, और नहीं, अभी भी आप लोग, आपको लोग याद करते हैं नेपाल में, इंडो नेपाल के बॉर्डर में तो हमारा पैतृक है, उसको भी नहीं भूल सकते, और वो भी मिथिला नगरी ही है, भले ही बॉर्डर हो गया वो अलग बात है। कभी मैथिली गीत और नेपाली गीत जो आप गाया करते थे वो याद आती है, और कभी गाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल याद, तो थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे। और बस खुशी की बात ये है कि आपका अपना उदित नारायण झा पूरे दुनिया में अपने संगीत से, कला से, गाने से लोगों की सेवाएं कर रहा है, और आप लोगों के नाम को ऊंचा रखने की कोशिश कर रहा है। सुन 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 पन भर नीगे कनि घुरियो के ताक, हट चल छोड़ा बटोहिया रे बड़ा भैले चलाक। ये गाना से हम स्टार्ट के लो ना रेडियो स्टेशन काठमांडू में, और मैट्रिक मिडिल पास के लो घुगड़िया के पास, हमार सिस्टर छलखिन इंदिरा मिश्रा, अपना घर में रह के मिडिल पास करेल थी, ओहिठमा पास मकुनोली बाजार से ओहिठमा से हम मैट्रिक पास कलूँ, आ तकर बाद काठमांडू गेलूँ, ओहिठमा रेडियो स्टेशन में 100 रुपया के नौकरी कलूँ, और ओहिठमा से इंटर ओहिठमा से हम इंटरमीडिएट कॉलेज कलूँ, और फिर 6-7-8 साल ओहिठमा काम कलूँ एज ए रेडियो सिंगर, और ओकर बाद म्यूजिक स्कॉलरशिप भेटल इंडियन एम्बेसी से, और हम बम्बे अलूँ 1978 यानी 1978 में मुंबई गेलों, और 1988 में कयामत से कयामत तक लागल। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। और यहाँ के अपन लड़का भाई अपन आदमी है,
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गायब के, पूरा संसार में मिथिला के मैथिल के नाम के ऊंचा कैला कर और हमेशा करे था। तो के गाय के लिए किस टिप्स देवा चाहिए थी? देखियो की छे आज तक रियलिटी शोज काफी छे, रातों रात लोग स्टार बन जाए छे। हमरा सबके जो टाइम रहे वो टाइम में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश जी सब टॉप टॉप सिंगर रहे, लता जी, आशा जी, तो वो सब एहन तपस्वी रहतीन जो ओहिठमा कोनो चांस नया गायक के मिलने बहुत मुश्किल रहे। तैयो कबो कार मिल जाए एक आध गाना तो उनका जमाना में हम के लिए तो वो अलग तपस्या रहे। आए एहन छे जे अहाँ एक रात में स्टार बन सके छी, रातों रात नाम कमा सके छी, बहुत सारा रियलिटी शोज छे ओहिमे अहाँ प्रोग्राम कै सके छी, पूरा दुनिया अहाँ के रातों रात सुनत देखत, तो आए तो बहुत इजी छे, लेकिन बढ़िया तपस्या के बहुत जरूरी छे, मतलब साधना, धैर्य, स्ट्रगल, संघर्ष, और लोग सब के अहाँ प्यार करो, आशीर्वाद लियो, सब ठीक भए जाए छे। जय मिथिला, जय मैथिल, जय बिहार, जय भारत।